नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं त्रिकोलिया प्रखंड के शंकर सरैया दक्षिणी में पंचायत में, और हमारे साथ यहां के स्थानीय मुखिया गोपाल महतो जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप पिछले कितने टर्म से यहां पे मुखिया हैं? हम 2011 से हैं। 2011 मेरी पत्नी थी और 16 से हम हैं। 16 से अभी हम हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना को कितना सफल मानते हैं? मुख्यमंत्री सात योजना तो बढ़िया है। हर घर नल जल और गली नली तो बेहतर चीज़ है, बहुत अच्छा है। हम इसको मेरे यहाँ तो बहुत बढ़िया है। मेरे यहाँ 5 वार्ड में काम हो चुका है और 5 वार्ड में पानी चल रहा है। अभी 4 वार्ड का कार्य चल रहा है। मेरे ख्याल से बढ़िया है। आपके पंचायत में टोटल कितने वार्ड? 12 वार्ड है। 12 में कितने वार्ड में काम हो चुका है और कितने में बाकी? 12 वार्ड में अभी मेरे यहाँ 5 वार्ड में काम फाइनल हो चुका है, जहाँ पानी लोगों को दिया जा रहा है, और 3 वार्ड में काम चल रहा है, और 4 वार्ड का पैसा तुरंत पैसा हम ट्रांसफर चार्ज में करने वाले हैं, ये देंगे। आपके पंचायत में शिक्षा और चिकित्सा की क्या खास? शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और आ गया भवन की मेरे यहाँ कमी है। बच्चे 20-30 पढ़ते हैं और शिफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए स्कूल यहाँ है, दूसरे पंचायत दूसरे वार्ड में जाते हैं तो बच्चा वहाँ नहीं पहुँच पाता, इसलिए मेरे यहाँ भवन की कमी है। भवन हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कहना? चिकित्सा के क्षेत्र में नर्स मेरे यहाँ जो है ड्यूटी उसका अच्छा है, काम करती है। मेरे यहाँ से नजदीक दूर नहीं है, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर हो गया। PHC पर स्वास्थ्य केंद्र है। अपने पंचायत के मुख्य समस्याओं के बारे में? मेरे पंचायत के मुख्य समस्या जैसे तो स्कूल की कमी है, समस्या है। स्कूल नहीं है पंचायत, सरकार फोन नहीं है मेरे यहाँ, और मेरे यहाँ क्या बोलते हैं उसको फील्ड वगैरह भी मेरे यहाँ बहुत कमी है, नहीं है। बच्चों को खेलने वगैरह के लिए भी मेरे यहाँ नहीं है। स्टेडियम की कमी है, और बिजली तो वगैरह मेरे यहाँ सब भैया है। बिजली की क्या स्थिति है आपको पंचायत? बिजली जो है, बिजली की स्थिति मेरे यहाँ बढ़िया है। बिजली की स्थिति बढ़िया अच्छी है। बिजली भी अभी समय में आ रही है, बिजली बहुत बढ़िया है। अपने पंचायत के गरीब लोगों को, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप उनके विकास के लिए सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील करेंगे, सबसे बड़ी जो हमारे पंचायत में वृद्धा पेंशन जो है अभी तक मैंने बहुत ऐसा लोग हैं जिसको पूर्व से पेंशन मिलता था, आज 70-80 ऐसे लोग हैं तो आज ही भटक रहा। हम बार बार ये चीज़ मैसेज देते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। एक समस्या है, हम लोगों की समस्या के लिए हम अपने स्तर से हम अपने चल करके लोगों घर घर जा करके पेंशन हो, राशन हो, जो भी हो, लोग जानकारी देना, सुविधा देना, मैसेज को ब्लॉक तो पहुँचाना, ये मेरा भली भांति मैं करता हूँ। और मैं चाहता हूँ जितना भी मेरे पंचायत में लोग को लाभ, गरीब को लाभ मिले, इसके लिए मैं करता हूँ।